और बड़ी खबर विदिशा से है, जहां बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उधर लटेरी हादसे की खबर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, बागेश्वर धाम से लौटते वक्त राजस्थान के चार लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमने तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से इलाज व्यवस्था कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मध्य प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रशासन से हम मृतक के परिजनों के लिए सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम से ये परिवार लौट रहा था, तभी तहसील लटेरी में ये हादसा हुआ। परिवार राजस्थान के झालावाड़ जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि तेज अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें 10 व्यक्ति थे, जिसमें 7 महिला 3 पुरुष थे, जो चोटग्रस्त थे। उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और इसमें 2 महिला 2 पुरुष की आई हुई चोटों की वजह से भर्ती हुई है। और उसमें जो CCTV फुटेज से चेक किया गया तो ये इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी, ट्रक के पीछे घुस गई थी। गाड़ी सुबह का टाइम था 3:30-4 बजे का, तो वो दुर्घटना के बारे में, वो ट्रक के बारे में भी मालूम पड़ गया है। गंज पासोदा का ट्रक है जिसके पीछे गाड़ी घुसी है और ट्रक को भी हमने कब्जे में ले लिया है। ग्वालियर में पुलिस थाने में रोल कॉल के दौरान SI और आरक्षक में मारपीट के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने में एक सटोरियों से वसूली को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया जिसका वीडियो किसी साथी पुलिस वाले ने रिकॉर्ड कर पुलिस अफसरों वाले ग्रुप में भेज दिया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए ग्वालियर SP ने तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन अटैच कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए। भोपाल के रायसेन रोड